मैम हाँ जी, मैम सिलेबस सेंड कर दिया। हाँ हाँ देख लिया, मैंने भी देख लिया, ऑनलाइन देख लिया आपका स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, है ना। पिछली बार हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए बनाना सीखा था, डीएफए एनएफए। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ये इम्पोर्टेंट है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी है ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, ये हम सबके लिए पढ़ेंगे, रेगुलर लैंग्वेज के लिए भी पढ़ेंगे, आगे सीएफएल के लिए भी पढ़ेंगे, सबके लिए पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं आपको इसका एक चार्ट बताऊंगी, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स होंगी कि भाई सबकी क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे याद रखनी है, क्योंकि अगर गेट में आता है ना तो गेट में डायरेक्ट आता है, उसमें आपको निकालना या वो चीज नहीं करनी है। बट आपको याद होना चाहिए कि रेगुलर लैंग्वेज कौन कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सीएफएल कौन कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, और सीएसएल कौन कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी इज यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो लैंग्वेज है L1, L2, और ये दोनों ही रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, तो अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो वो भी एक रेगुलर ही होगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ, L1 का सपोज आपके पास लैंग्वेज है, आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ये है, और इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आपकी ये है, और आपने इन दोनों का यूनियन किया, प्लस बी ए प्लस बी का स्टार, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये ए प्लस बी का स्टार। अब ए प्लस बी का स्टार इटसेल्फ इज अ सुपर सेट, ये सबसेट है, ये सबसेट है, ये सुपर सेट है। तो अगर हम इस चीज को ऐसे लिख लें, इसके इक्विवेलेंट कि ए प्लस बी का स्टार, तो आप सबको पता है ए प्लस बी का स्टार इज द रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। वैसे हम जो चेक करते हैं, ये तो एक सिंपल एग्जांपल था जहाँ पे ए और बी कॉमन भी आ रहे थे और ये दोनों भी कॉमन थे, बट अगर हम ऐसे चेक नहीं कर पाते तो हम इनका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा दोनों का बनाते हैं, तो चेक करते हैं कि उनका यूनियन क्या है। लेकिन आप अगर वैसे याद रखना चाहो तो अगर दो लैंग्वेज गिवन है और दोनों ही रेगुलर है, मतलब जैसे अगर हम इसको देखें तो ये हमें पता है ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, और इसको देखेंगे तो ये भी पता है हमें कि रेगुलर लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट विद ए और इसका मतलब है स्टार्ट विद बी, तो दोनों स्टार्ट विद ए और स्टार्ट विद बी जो भी होती हैं वो दोनों रेगुलर लैंग्वेज में आती हैं, क्योंकि हम इनका फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। तो जब ये दोनों रेगुलर लैंग्वेज है तो इसका यूनियन 110% रेगुलर ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दूसरी प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जो रेगुलर लैंग्वेज होती है वो इंटरसेक्शन के, रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन, मतलब अगर ये चीज इस चीज को फॉलो कर रही होती है, मतलब रेगुलर लैंग्वेज अगर हमारी इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही होती है तो उस टर्म्स को हम बोलते हैं क्लोज्ड। मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज अंडर इंटरसेक्शन, तो आपको लिखना है यस, कि अगर हमारी कोई रेगुलर लैंग्वेज है दो और हम उन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें जो तीसरी लैंग्वेज मिलेगी वो रेगुलर ही होगी, ठीक है। लेकिन इसमें दो टर्म्स आ जाती हैं, एक आता है आपका फाइनाइट इंटरसेक्शन और एक आता है आपका इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन है
तो वो रेगुलर होगी। सपोज आपके पास ऐसे है, आपको पता है एक L1 का इंटरसेक्शन L2 से करना है, फिर इंटरसेक्शन L3 से करना है, मतलब आपको एक टर्म, लास्ट वाली टर्म फाइनाइट है। ऐसा नहीं है कि L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन अब तो पता ही नहीं इसकी लास्ट टर्म क्या है। तो ये जो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन है ये रेगुलर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये फाइनाइट इंटरसेक्शन है, मतलब आपको लास्ट टर्म पता है, तो ये रेगुलर होता है। गेट में क्वेश्चन आया हुआ है इस चीज पे, याद रखना कि रेगुलर है। आपको दो या ऐसे करके दे रखा होगा L1 इंटरसेक्शन L2, और बता रखा है कि L1 रेगुलर है, L2 रेगुलर है, L3 रेगुलर है, तो क्या इनका इंटरसेक्शन रेगुलर होगा? तो वो इंटरसेक्शन रेगुलर नहीं होगा अगर वो इनफाइनाइट सीरीज है तो। लेकिन अगर वो फाइनाइट सीरीज है तो इसका इंटरसेक्शन रेगुलर होगा। बात आ गई समझ में? यस यस मैम, मैम, बट वो क्वेश्चन में तो मेंशन कर देंगे ना कि ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा। सपोज आपको यही चीज दे रखी होती है, एक स्टेटमेंट ये और एक स्टेटमेंट ये, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फाइनाइट सीरीज क्या होती है और इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है। जैसे यूडीएन के केस में आप चाहे फाइनाइट ले लो चाहे इनफाइनाइट ले लो, दोनों ही आपके, हाँ यूनियन के केस में भी अगर फाइनाइट और इनफाइनाइट है ना, तो फाइनाइट सीरीज हमेशा, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि फाइनाइट सीरीज जब भी होगी वो आपकी रेगुलर होगी, और इनफाइनाइट सीरीज जब भी होगी वो आपकी इरेगुलर होगी, मतलब रेगुलर नहीं होगी। चाहे वो यूनियन का केस आ जाए चाहे वो इंटरसेक्शन का केस आ जाए। मतलब आपको, मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया था, जैसे एक एक स्टेटमेंट दी थी कि ए की पावर एन, एन इज लेस देन 10, तो क्या ये चीज रेगुलर होगी? तो आपने कहा था हाँ मैम, क्योंकि एन की टर्म जो है वो फाइनाइट है, क्योंकि हमें पता है 1 to 9 ही जानी है एन की टर्म। तो ये जब भी हमें फाइनाइट चीज पता चल जाएगी तो वो चीज होती है रेगुलर। कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी ग्रामर हो, अगर उसमें हम ये पता कर पा रहे हैं कि ये फाइनाइट है, तो फाइनाइट चीज डेफिनेटली 110% आपकी रेगुलर ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस में भी सेम है कि L1 - L2 है तो वो रेगुलर होगा। रेगुलर बेसिकली सारी चीज, सारे ऑपरेशंस के अंडर क्लोज्ड होती है, बट डिफरेंस क्या आ जाता है इसमें इनफाइनाइट और फाइनाइट का। तो जहां पे भी फाइनाइट चीज होगी वो रेगुलर होगी, और जहां पे भी इनफाइनाइट होगी वो इनरेगुलर होगी। मैम अब हाँ मैम ऐसा भी है कि L1 और L2 को फाइनाइट ही होना चाहिए। तो मैम अगर ऐसा L1 होता और L2 है, को मैम फाइनाइट प्रीवियस ही होना क्वेश्चन चाहिए। में, अगर प्रीवियस हाँ क्वेश्चन में जैसे मैम अगर देखें L1 अगर इनफाइनाइट हो, L2 फाइनाइट हो, तो उनका इंटरसेक्शन टाइम तो फाइनाइट ही आ जाएगा, तो रेगुलर हो नहीं गया नहीं फिर अगर तो। देखो मेरी बात सुनो, नहीं, अगर L1 आपकी फाइनाइट है, ठीक है, और L2 आपकी इनफाइनाइट है, तो पहली बात L2 आपकी रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो अगर ये रेगुलर नहीं है तो इसके केस हो सकते हैं CFL हो सकती है, CSL हो सकती है, या रिकर्सिव हो सकती है, ठीक है। अब हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि रेगुलर यूनियन या इंटरसेक्शन CFL क्या होता है, फिर रेगुलर यूनियन और इंटरसेक्शन CSL क्या होता है। बात आई समझ में? अभी हम ये केस मान के चल रहे हैं कि दोनों रेगुलर हैं, ओके ठीक है। आपने जैसे आपने इनफाइनाइट बोला ना, तो इनफाइनाइट का मतलब होगा ये रेगुलर नहीं है, मैम, ठीक है। यस मैम चलो, डिफरेंस भी वही है, आपका फाइनाइट का दोनों। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट तो आपने मुझे बताया ही दिया, फाइनाइट को फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करते थे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। एक बार हमने क्वेश्चन किया था, क्लियर याद है? हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था, DFA बनाया था, ट्रिपल यस मैम जीरो वाला, जो ट्रिपल जीरो जी एक्सेप्ट होनी चाहिए सब स्टेट, हमने उसको कॉम्प्लीमेंट के थ्रू किया था। तो अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, इस चीज का कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब ये एक L है और इसका L डैश निकालना है, तो L डैश का मतलब होता है फाइनाइट
जो नॉन फाइनाइट है उनको फाइनाइट कर दो, और फाइनाइट को मोर फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल कर दो। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ये एल है और ये एल डैश है ना, और ये याद रखना कि ये अंडर इसके भी क्लोज्ड होती है। नेक्स्ट है कॉन्केटेनेशन। कॉन्केटेनेशन के भी साथ सेम रूल है, ये इसके अंदर क्लोज्ड होती है, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, फाइनाइट के लिए तो डेफिनेटली ये रेगुलर होगी, लेकिन नॉन फाइनाइट में अगर ऐसा आ गया एक एम्प्टी सेट है L1 dot L2 है तो ये रेगुलर होगी, मतलब डैश 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 है, क्योंकि ऑब्वियसली एम्प्टी, याद है मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी एम्प्टी सेट से किसी भी उसका कॉन्कैटेनेशन करेंगे तो वो एक एम्प्टी सेट आएगा, और ये बात हमेशा ध्यान रखना एम्प्टी सेट हमेशा रेगुलर होता है। जैसे मैंने बताया ना फाइनाइट रेगुलर होता है, ऐसे ही याद रखना कि एम्प्टी सेट भी हमेशा रेगुलर होता है। तो ऑब्वियसली जब हम किसी, कुछ है ही नहीं, जीरो से अगर हम किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आना है, तो इसलिए वो रेगुलर। लेकिन अगर ऐसा हो L1 dot L2 up to infinite तो ये रेगुलर नहीं है। हाँ बेटा, मैम आपने एक बार वो नल का और इनपुटी सेट का फिर डिफरेंस बताया था मैम, शायद हाँ प्रीवियस कॉल में, मैं फिर से एक बार बता देंगी। देखो एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि जैसे नल है, नल का, नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्ट्रिंग है, मतलब इसको एज ए स्ट्रिंग काउंट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं एम्प्टी सेट तो एम्प्टी सेट का मतलब होगा इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब हो गया इस वो एज ए जीरो स्ट्रिंग ले रहे हैं, जैसे हम जीरो लेंथ की, जैसे हम वन लेंथ की स्ट्रिंग लेते हैं, टू लेंथ की लेते हैं, थ्री लेंथ की लेते हैं, तो नल का मतलब हो गया एज ए हम जीरो लेंथ, लेकिन सेट का मतलब होता है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। आगे समझ में क्लियर? यस ठीक मैम। है, इसका इसका एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। जैसे आपके पास एक NFA है, ए और स्मॉल ए और ये कैपिटल बी, और ये हो गया ए कॉमा बी। ठीक है, और ये L1 है, ये L2 है, और उसने बोला है इन दोनों का कॉन्केटेनेशन करो। ठीक है, तो कॉन्केटेनेशन के अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल होता है, इन दोनों ट्रांजिशन को नल से जोड़ देते हैं बस। ठीक है, जैसे ए पहला वाला लिखेंगे क्योंकि L1 पहले है L2 बाद में, तो पहला वाला लिखेंगे बी, बस इसकी फाइनल स्टेट पहले वाले की हटा देंगे, इसको नल ट्रांजिशन से दूसरे वाले को इसमें ऐड कर देंगे। ये L1 dot L2। अब आपको पता है कि एन नल NFA से NFA कैसे बनाते हैं और इस DFA कैसे बनाते हैं, ये तो सबको आता है, ये तीनों टॉपिक हो चुके हैं। तो आप नल NFA से NFA बनाओ, NFA से DFA। ठीक है क्लास? यस यस मैम।
ठीक है, नेक्स्ट है नी क्लोजर. नी क्लोजर के अंडर भी, मतलब अगर आपको एल एक रेगुलर लैंग्वेज दे रखी है और आपने एल स्टार कर दिया तो ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज ही होगी. ठीक है, सेम विथ पॉजिटिव क्लोजर, सेम विथ पॉजिटिव. ठीक है, मतलब अभी तक हमने ये देखा कि हमारी जो रेगुलर लैंग्वेज है ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉन्केटेनेशन, क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर, सबके अंडर क्लोज्ड होती है. आप इसकी जब टेबल देखोगे गूगल पे सर्च करना सब, तो रेगुलर लैंग्वेज सबके लिए होती है. आप इसका प्रीफिक्स निकालोगे तो भी क्लोज्ड होगी, रिवर्सल निकालोगे तो भी क्लोज्ड होगी. ठीक है, रिवर्सल का जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हम फाइनल को नॉन फाइनल कर देते हैं, ऐसे रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि हम इंटरचेंज कर देते हैं फाइनल एंड इनिशियल स्टेट एंड ऑल्सो द रिवर्स द डायरेक्शन. मतलब अगर आपसे बोला जा रहा है कि रिवर्स ऑपरेशन निकालो, पहली बात तो ये बात ध्यान रखना कि कोई से भी ऑपरेशन हो रेगुलर लैंग्वेज उसके अंदर क्लोज होती है. ठीक है, अगर मैं पूछूं कि रिवर्सल निकालो तो कॉम्प्लीमेंट निकालने में तो क्या था कि फाइनल का इनफाइनाइट, फाइनल का नॉन फाइनल कर देते थे और नॉन फाइनल को फाइनल कर देते. अब रिवर्सल में क्या होता है, सपोज आपके पास ये एक ऑटोमेटा है और इसमें मैंने पूछा ये एक एल है और एल का रिवर्सल निकालो. ठीक है, रिवर्सल ऑफ एल, तो आप क्या करोगे, ये तो इनिशियल स्टेट है, स्टेट वैसे ही रखोगे, फाइनल का तो नॉन फाइनल करना है, ये पहली टर्म है ए कॉमा बी, बस जो डायरेक्शन जिस जगह जा रही है उसका रिवर्स कर देना है. ये इसका रिवर्स, ये इसका वो हो गया रिवर्सल, और सॉरी ये फाइनल हो गई और ये हो गई आपकी इनिशियल. बिल्कुल रिवर्स करना है, मतलब नॉन फाइनल को फाइनल करना है, फाइनल को नॉन फाइनल करना है और डायरेक्शन भी रिवर्स करनी है. रिवर्स का मतलब हो गया डायरेक्शन पे ध्यान देना है कि डायरेक्शन भी हमें रिवर्स करनी है. लेकिन जब हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो कॉम्प्लीमेंट के टाइम पे हमने वो चेंज नहीं किया था इनिशियल फाइनल, ऑल तो हमने इनिशियल को भी फाइनल बना दिया था, याद है जब हमने ये कॉम्प्लीमेंट का यस मैम, ये कॉम्प्लीमेंट था तो हमने इनिशियल चेंज नहीं किया था और इनिशियल को भी फाइनल कर दिया था, मतलब जो स्टेट नॉन फाइनल थी उसको फाइनल कर दिया था. लेकिन इसमें क्या होता है, रिवर्सल में आपको इनिशियल भी चेंज करनी पड़ती है, इनिशियल दूसरी हो जाएगी, फाइनल दूसरी हो जाएगी अदर, और रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन. ठीक है क्लास. ठीक है, अब जो रिमेनिंग क्लोजर प्रॉपर्टीज रह गई है ना इसकी, जो दो तीन बहुत छोटी छोटी हैं, वो मैक्स निकालना, मिनिमम निकालना, वो सबकी आप मुझे बताओगे कि वो रेगुलर होती है या नहीं होती. उसके लिए मतलब आपको एक टेबल बनानी है, टेबल में यहाँ पे लिखनी है सारी प्रॉपर्टीज, ये शुरू से बनाते चलो प्रॉपर्टीज, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, और डिफरेंस, ऐसे करके सारी प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है. तो यहाँ पे पहला कॉलम बना है रेगुलर का, दूसरा कॉलम CFL, तीसरा कॉलम CSL, ये बनाते चले जाएंगे. आप बस ये पहले वाले पे फोकस करना, आपको यहाँ टिक लगाना है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है, ये होता है, जो भी चीज होती है उस पर राइट और जो नहीं होता उस पर रॉन्ग. ठीक है, ये आपको बिल्कुल लास्ट में बहुत काम आएगा, इसलिए बेटर होगा कि आप अभी से बनाना शुरू करते हैं चार्ट को. तो आपको सारी लिस्ट करनी है, आज मैंने कुछ बता दिए हैं कि वो रेगुलर होती हैं, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए कि क्यों रेगुलर होती हैं, और आपको ऐसे चार्ट ड्रॉ करना है इसका. इसमें रिकर्सिव भी रहेगा? सब वो सब आगे आएंगी, अभी फिलहाल फिर हम मैम उसको रेगुलर के. हाँ मेंशन मेंशन तो कर लेंगे उसको. कर लेना, एक दो कॉलम छोड़ देना, मतलब अभी आगे के, ओके ठीक बट रेगुलर CFL और CSL ये तीन तो आपको याद होने चाहिए. ठीक है, ये था क्लोजर प्रॉपर्टी का चार्ट. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हो गया अगर दो चीज हमें दी है और उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो क्या वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो थर्ड लैंग्वेज बनेगी वो रेगुलर होगी या नहीं होगी. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये था.
ठीक है, अब आती है दूसरी प्रॉपर्टीज, उसको बोलते हैं डिसीजन प्रॉपर्टी। ठीक है, डिसीजन प्रॉपर्टी में पहली आती है आपकी एम्प्टीनेस, मतलब इज एल एम टी। मतलब इसमें क्या होता है, ये प्रॉपर्टी बताती है आपकी कि चेकिंग वेदर द गिवन लैंग्वेज इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है, और इस चीज को हम प्रूफ कैसे करते हैं कि अगर आपके पास एफ ए है और आपने उसको मिनिमाइज किया, मतलब जितना मिनिमाइज कर सकते थे उतना मिनिमाइज आपने एक एफ ए बनाया, और एफ ए में अगर कोई नॉन फाइनल स्टेट है, मतलब उसमें कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज एम्प्टी। मतलब मैं एक ऐसे एफ ए बना दू ए बी और बी, तो आप इस चीज को देख के बोल सकते हो कि ये एक एम्प्टी है, क्योंकि इसमें कोई चीज एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है, कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही है इसमें, क्योंकि इसमें फाइनल स्टेट है ही नहीं है, आपको आपके पास कोई टास्क ही नहीं है। तो अगर किसी जगह पे आपकी आपकी नॉन फाइनल स्टेट हट रही है मिनिमाइजेशन करने के बाद, ये मिनिमाइजेशन का टॉपिक अभी आपका रह गया है, इसकी भी एक एल्गोरिथम, मतलब इसकी भी स्टेप्स होती हैं, ये मैं आपको भी बता दूंगी। बट आप वैसे समझ लो कि अगर आपके पास एक कैफे और आपने उस पर मिनिमाइजेशन लगाया, और मिनिमाइजेशन लगाने के बाद आपकी नॉन फाइनल स्टेट, मतलब सॉरी फाइनल स्टेट हट गई है, ठीक है, मतलब वहां पे सारी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं एम्प्टी। ठीक है, दूसरा होती है फाइनाइटनेस, कि इज एल इज फाइनाइट ठीक है, इसमें हमें क्या चेक करना है इस प्रॉपर्टी में, कि क्या हमारी जो गिवन लैंग्वेज है वो फाइनाइट है या नहीं है, फाइनाइट है और नॉट फाइनाइट। ठीक है, इसमें इस अगर हमें किसी लैंग्वेज की फाइनाइटनेस चेक करनी है, तो फाइनाइटनेस का मतलब होता है एफ ए लगाया, एफ ए के बाद आपने मिनिमाइज एफ ए करा, और उसमें आपको कोई भी साइकिल नहीं मिली, नो साइकिल। साइकिल तो सबको पता है ना कि ऐसे गए हम किसी ट्रांजिशन पे, फिर ऐसे गए किसी ट्रांजिशन में, फिर ऐसे पहुंच गए उसी पे, तो ये एक साइकिल फॉर्म कर रही है। साइकिल तो सबने उसमें भी पढ़ी होगी अभी डिस्क्रीट में, तो अगर आपको नो साइकिल मिल रही है तो वो आपकी फाइनाइट। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपकी स्ट्रिंग है इज डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल, मतलब कोई सिंपल स्ट्रिंग आपकी उस लैंग्वेज से बिलोंग मेंबर है या नहीं। जैसे हमारे पास जो ऑटोमेटा थे, सपोज मैंने बोला था ए की पावर एन, एन इज लेस देन 10, आपके पास ये लैंग्वेज है, ठीक है, तो अब मैं इसमें देख सकती हूँ कि इसकी स्ट्रिंग क्या होंगी, ए ए जीरो हो सकती है, ए वन हो सकती है, ए टू हो सकती है, ए थ्री हो सकती है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ए थ्री इज बिलोंग टू द एल और नॉट, इस चीज को हम बोलते हैं मेंबरशिप। ठीक है, इसको हम कैसे चेक करते हैं, हम इसके लिए अगर ऑटोमेटा बनाए और हम उस एक इनिशियल स्टेट से उस फाइनल स्टेट पे पहुंच पा रहे हैं, मतलब तीन बार ए देने पे मैं इस पे पहुंच फाइनल स्टेट पे पहुंच पा रही हूँ, तो ये इसकी मेंबर है।
अदरवाइज वो इसकी मेंबर नहीं है. ऑब्वियसली हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं और वो जो गिवन स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट करते करते अगर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच पा रहे हैं तो वो इस लैंग्वेज की मेंबर है, अदरवाइज नहीं है. ये तो बहुत सिंपल था मतलब. और इसके बाद आता है फिर दूसरा इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस में क्या करते हैं हम, एक सेकंड, इक्विवेलेंस ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज, इसमें क्या करते हैं, इज एल वन इज इक्वल टू एल टू, मतलब आपके पास दो दो वो दे रखी है रेगुलर लैंग्वेज और पूछा है कि क्या ये दोनों है इक्वल है या नहीं है. इसका एक टॉपिक है जो हम अच्छे से सेपरेट में पढ़ेंगे, ठीक है. इसका अच्छा टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे इसके, मतलब से क्वेश्चंस आते हैं इक्विवेलेंस के. अभी तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम. सारी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है ना? यस मैम. ठीक है, इक्विवेलेंस एक टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे. पर आप इसकी स्टेप याद रख मतलब देख लो कि क्या क्या होती है, ठीक है. अब हम इसमें क्या करते हैं, एल वन के लिए एक हम डी एफ ए बनाते हैं, एल टू के लिए हम एक दूसरा डी एफ दूसरा बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली दो लैंग्वेज है तो दो डी एफ ए बनेंगे. दोनों के लिए हम डी एफ ए कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम एक इनिशियल स्टेट्स बनाते हैं. पहली स्टेप होती है क्रिएट अ न्यू इनिशियल स्टेट. एज इसमें इसकी जो डी वन की इनिशियल स्टेट है उसको भी लेते हैं और जो डी टू की इनिशियल स्टेट है उसको भी लेते हैं, ठीक है. पहला मतलब दोनों की इनिशियल स्टेट को कंबाइन करते हैं. दूसरा दूसरा क्या करते हैं हम, कवर ऑल द ट्रांजिशन, कवर द ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट, ठीक है. फिर इफ एनी न्यू स्टेट फाउंड व्हाइल कवरिंग द ट्रांजिशन देन कवर ऑल द ट्रांजिशन ऑफ, मतलब इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं, इनिशियल स्टेट से जो भी ट्रांजिशन गिवन होते हैं उन सारे ट्रांजिशन को कवर करते हैं. अगर उस ट्रांजिशन में हमें कोई नई स्टेट मिलती है, न्यू स्टेट फाउंड, तो हम उसको एज अ स्टेट लेके उसके भी सारे ट्रांजिशन कवर करते हैं. ये सारी जो थर्ड स्टेप है इसको रिपीट करते हैं जब तक कि हमारी सारी सारे के सारे स्टेट्स कवर ना हो जाए. फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसको अगर हम क्वेश्चन से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे समझ जाएगा. मतलब पहला तो ये है कि हमें जो लैंग्वेज दी गई है उनके लिए हम दो डी एफ ए कंस्ट्रक्ट करेंगे. डी एफ ए में जो इनिशियल स्टेट्स है उसको एज ए इनिशियल स्टेट लेंगे. फिर उसके बाद हम उस इनिशियल स्टेट से जो भी ट्रांजिशन गिवन है उन सारे ट्रांजिशन को कवर करते हुए जो भी स्टेट नहीं आती है उसको एज ए स्टेट कवर करेंगे. उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजिशन स्टेट्स हैं वो भी सारे कवर करेंगे, ठीक है. अगर इन सबको कवर करने के बाद अब हमारे पास अगर कोई स्टेट नहीं बचती है दोनों ट्रांजिशन में, मतलब कोई भी इंडिस्टिंग्विशेबल पेयर नहीं होता है, तो ये इक्विवेलेंट है. बेसिकली हम दो चीजों को इक्विवेलेंट कैसे कहते हैं, जैसे ए है, इसमें ए जा रहा है, इसमें बी और ये बी है, ये इनिशियल स्टेट है. ई मैंने सी ले ली, ठीक है. यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी. अब ये तो मुझे देखते ही पता चल गया कि हाँ ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये एल वन है, ये एल टू है, क्योंकि जो इनिशियल स्टेट है उसपे एक ट्रांजिशन गिवन है ए, इसमें भी जो इनिशियल स्टेट है उसपे ट्रांजिशन गिवन है ए. अब इनिशियल स्टेट से हम एक फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं जिसमें ट्रांजिशन गिवन है दोनों में बी, तो ऑब्वियसली ये फाइनल हो गई, ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंट हो गई. लेकिन अगर मैं बात इसी दोनों ट्रांजिशन को मैं अपोजिट कर दूं तो क्या ये इक्विवेलेंट होंगे? सम केसेस में इक्विवेलेंट होंगे. सपोज अगर मैं स्ट्रिंग एड करवा रही हूँ आपकी
नहीं किसी में भी इक्विवेलेंट नहीं होंगे ये, क्योंकि यहाँ पे वन लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी बी, यहाँ पे एक्सेप्ट होगी ए, यहाँ पे टू लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी ए बी, यहाँ पे एक्सेप्ट होगी बी ए। ए बी और बी ए बहुत आर डिफरेंट, ठीक है, या इसमें ए बी बी चलेगा, इसमें बी ए ए ए चलेगा। तो अब इस या तो शॉर्ट रखे कि हम इसकी सारी सब स्ट्रिंग्स निकाल लें, इसके अलग निकालें, इसकी अलग निकालें, फिर देखें कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन ये वैसे अगर हम नॉर्मली देखेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने ट्रांजिशन रिवर्स किए तो ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो इक्विवेलेंट में हम यही फाइंड करते हैं कि दो हमें स्टेट्स दिए हैं, तो क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। ठीक है, इसके इसका जो एल्गोरिथम है वो कल हम पढ़ेंगे। आप भी किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बताओ, कल हम ये एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल करेंगे और मेले और मोरे करेंगे। फिर आपका इस यूनिट में एक ही टॉपिक बचेगा मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन एंड पंपिंग लैम, पंपिंग लैम हमें आ जाता है मिनिमाइजेशन। और आपकी ये पूरी यूनिट का कवर हो चुके हैं। अब इस यूनिट के कवर होते ही हम टेस्ट लेंगे। ठीक ठीक है क्लास? यस मैम। क्योंकि आपका जो मिड टर्म होगा बतानी कब हो, पर इस टेस्ट के बाद जो मिड टर्म को चेक कर देंगे। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। चलो फिर थैंक यू मैम। ओके थैंक यू क्लास।